रिफ्लेक्ट टूल आपने यूज किया था ताकि आप मिरर उसका क्रिएट कर सको। एक पार्ट आप बनाओ, दूसरे पार्ट के लिए आप रिफ्लेक्ट टूल यूज कर लो। जैसा हार्ट है ना, हार्ट हाफ हार्ट बनाया, हाफ क्रिएट कर लो। हाफ बटरफ्लाई बनाई, हाफ बटरफ्लाई आप क्रिएट कर लो। हाफ आपने शील्ड बनाई, हाफ शील्ड आप क्रिएट कर लो। कल हम क्या कर रहे थे, हाफ पार्ट बनाया था, आपको रिफ्लेक्ट कर लिया था। वजह क्या होती है कि अगर आप फुल वर्जन उसका बनाते हैं, सिमेट्री में मुश्किल हो जाती है। इधर वाला कुछ बन जाता, उधर वाला कुछ बन जाता। आसान तरीका ये नहीं, जब वो सिमेट्रिकल है हाफ बनाओ, हाफ रिफ्लेक्ट करवा लो, वो बेहतर नहीं? और कैसी खूबसूरती से परफेक्शन आ जाती। तो आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस डायग्राम को भी आज चलते चलते इसको भी बनाते हैं, और साथ में कुछ इलस्ट्रेटर की मजीद टूल को एक्सप्लोर भी करते हैं, और साथ में जी इसकी कुछ स्लाइड्स को भी साथ में टैली करते हैं कि क्या क्या हम कर रहे हैं और क्या क्या रहता है। अच्छा, कल हम लोगों ने शोधरक पेन टूल यूज किया था। सर आप हाँ, पेन टूल के अंदर, ग्रुप के अंदर और भी टूल्स थे, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, फिर एक था कि उसको कर्वेचर्स के साथ वाला टूल था, ठीक है। और लेकिन उसके अंदर एक और ऑप्शन भी थी जो आपकी एंगल, एंगल मतलब जिस एंगल पे क्लिक करते उसको क्या कर देता, शार्प एज से राउंड शेप में, शार्प एज से राउंड शेप में कन्वर्ट कर देता था, ठीक है। तो ये हमारे पेन टूल में ऑप्शन थी, तो इसको मैं आपके साथ वक्तन फवक्तन हम इस्तेमाल करेंगे इसको, जब जरूरत पड़ेगी, जब कोई इस तरह का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आप उसे यूज कर सकते हो। रोटेट बड़े अच्छे तरीके से हमने अप्लाई करके देख लिया था, कुछ डिफरेंट उस पे हमने क्रिएट भी किए थे डिजाइन, रिफ्लेक्ट के थ्रू भी हमने कोई डिजाइन क्रिएट किए थे। इसके अलावा कुछ फर्दर इन एक्शन जो आने वाली ऑप्शंस हैं, बड़ी सिंपल सी ऑप्शन है, इनको भी इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ हम डिजाइन करेंगे, जिसमें से अरेजर, सीजर एंड नाइफ टूल का इंप्लीमेंटेशन है। बड़ी जबरदस्त किस्म की ऑप्शन होती हैं, इनसे भी आप काम ले सकते हो। अरेजर की तीन टाइप्स होती हैं, बड़े कॉमन टूल कौन एडिटर कॉमन टूल सा एडिटर कॉमन टूल कॉमन टूल है, ये हर जगह होता है, हर सॉफ्टवेयर में होता है अरेजर। ये रबर नहीं होता जैसे कोई ड्राइंग बनाते हैं मिटाने के लिए, तो ये वही काम करता है। सीजर जिस तरह कोई चीज काटते हैं ना, ये सीजर वही काम करता है। नाइफ, एक जो आपके नाइफ के साथ जैसे कट करते हो, तो ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी इम्प्लीमेंटेशन इन इलस्ट्रेटर। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, लेकिन साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज आज देखनी है वो हमने देखनी है पाथफाइंडर। पाथफाइंडर में अगर आपको लेके चलता हूं, और एक चीज जो मिसिंग है, जो कल भी मैंने आपको बताना भूल गया, कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर हों उसमें सिंगल शेप कैसे लोड होती है। एक शेप में आप एक इमेज लोड कर लेते हो, दूसरी में दूसरा इमेज लोड कर लेते हो, तीसरी में तीसरा आप इमेज लोड कर लेते हो, क्या आप एक से ज्यादा शेप्स के अंदर एक इमेज को लोड कर सकते हो? चले पहले इसको करके दिखा रहे, प्रैक्टिकल इसी का करते हैं। एक पेज बनाते हैं, एक पेज बना लेते हैं, फिर पाथ फाइंडर के साथ उसको इस्तेमाल कर लेंगे। सर एक कवर पेज बनाते हैं, एक फैशन मैग उसका कवर पेज बनाते हैं। ये आपके पास एक कवर पेज का साइज A4 आपने सेट कर दिया, और इसके ऊपर आपने यहाँ पे कोई ड्रॉ कर लिया, एक सिंपल सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके ऊपर खूबसूरत सा कोई कलर इसके अंदर स्ट्रोक पे नहीं करना, फिल में करना, तो फिल को सिलेक्ट करना लाजम, और ये करने के बाद आप अपना कलर जो भी देना है वो आप दे सकते हो। अब आपको यहाँ पे लेयर्स में जाके इस सरफेस को आप लॉक कर दो, नंबर 1, ताकि ये मूव ना हो। अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ शेप्स बनानी है यूजिंग पॉलीगॉन। शेप्स बनाते हैं, एक शेप बनाई, और इसके फिल ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज तो नजर नहीं आएगा, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये एक आपने शेप बना दी, ठीक है, और इसकी साइज वाइज अगर आपने करना है साइज कर लो रिड्यूस, ये आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे टाइटल वाइट ऊपर रखने के लिए स्पेस रख लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी कॉपीज निकालते हैं, आपको पता कॉपीज ऑल्ट के साथ, थोड़ा रोटेट कर देते हैं इसको,
स्मार्ट गाइड्स ऑन रखा करो, स्पेस जितनी मुनासिब समझते हो आप दे दो, कनेक्ट करनी है बाउंड्रीज कनेक्ट कर दो, अगर आप थोड़ा सा फासला रखना चाह रहे हो थोड़े फासले पे इस ऑब्जेक्ट को पुट कर दो, फासला नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और इसकी अगर आप स्ट्रोक को ऑफ कर दो, स्ट्रोक मैं ऑफ कर देता हूं, इस ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले एक काम करो, इसका स्ट्रोक ऑफ कर दो, ऑरेंज है इसलिए नजर नहीं आ रहा, स्ट्रोक को नन कर देता हूं। अब आपके पास एक सिंपल सी शेप है, ब्लू कलर की पॉलीगॉन है विद हेक्सागॉन काइंड ऑफ पॉलीगॉन है जिसकी 6 साइड्स है, ठीक है। और इसको आपने मल्टीपल इसकी कॉपीज जनरेट कर लेते, स्पेस जितनी मुनासिब समझो वो दे दो। पर टाइम नहीं है, इसको अलाइनमेंट अच्छी कर लेना। ले जनाब नहीं जी, और जितनी आपने इसके अंदर इन्वॉल्व करनी है शेप्स की इन्वॉल्वमेंट करके, इसको अब आपने फिल करना है विद काइंड ऑफ इमेज। इसके अंदर अगर आप समझते हो कि मुझे इमेज एक रख देना चाहिए, आप रख सकते हो। और यहाँ पे आपने जो टाइटल वाइटल देना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक टाइटल रखना है यहाँ पे, वर्टिकल टाइटल यहाँ पे रख देते हैं, फॉन्ट छोटा है काफी छोटा है, इसको सिलेक्ट किया और कलर इसका और साइज यहां से आप सेट कर, ठीक है, इसको आप पुट कर दो जहां पे आप करना चाह रहे हो। नहीं जी जनाब, ये मैंने यहां पे टेक्स्ट लिख दिया, टाइटल वाइटल चेंज करना है कर दो, इसका नाम रख देते हैं जी फैशन मैग, जो आप बेहतर समझते हो इसका टाइटल यहाँ पुट किया। और अगर आप इसको मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, यहाँ से इसके ऊपर वाप की ऑप्शन भी यूज कर सकते हो अगर करना चाहो, वाप याद है ना ऑप्शंस आर्क, और ये चूंकि हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल है तो वर्टिकल पे क्लिक कर दो, ये दिख रहा है आपको वर्टिकल एंगल पे। और इसको अगर आप यहां से बेंडिंग इसकी कम ज्यादा करना चाहो, यहां से करके आप इसको सेट कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक, ठीक है। बेंडिंग आपने जैसे देनी है आप इसको दे दो, देने के बाद अगर आप फॉन्ट समय तो थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यू हैव टू सिलेक्ट टाइप अगेन, ट्रिपल क्लिक करोगे तो सिलेक्शन जरा आप जल्दी कर सकते हो इस एरिया में, अगर एक्स्ट्रा आपका आ गया है तो उसको जरा ध्यान से सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, या आपके पास टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट कर लिया, अगर वो टाइप टी फॉर टाइप सिलेक्ट किया इस एरिया में आके आप यहाँ से सॉरी इस एरिया के अंदर आके आप क्लिक पर ड्रैग करके भी इसको सिलेक्ट किया जा सकता है, टी फॉर टाइप से इसको सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और करने के बाद इसके अंदर आपने वर्क करना है, तो ये
साइज जरा बड़ा कर लेते हैं और साइज अच्छा, जहां तक बात है कि आपने इस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जो शेप है या इमेज है उसको कैसे लेके आना है, सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के लिए मतलब प्लेस करना पड़ता है। प्लेस जैसे आप क्लिक करते हो, यहां से जो आपको इमेज रिक्वायर्ड है उसको सिलेक्ट करके यहां पे प्लेस करवा लो। ले लीजिए आप, ये एक मॉडल है जो फैशन मैग के ऊपर आपने इस एलिमेंट्स जो आपके पास काफी सारे इमेजेस हैं, शेप्स हैं, ग्राफिक्स उसके अंदर आप इसको पुट करना चाह रहे हो। आपको इसके लिए स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे वो मैं आपसे शेयर करने लगा। सबसे पहले जनाब आपने एक काम करो, अगर आप इसके ऊपर फर्दर स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर कलर्स देना चाह रहे हो, इसकी एक सेम कॉपी निकाल के रख लो कहीं पे, इस साइड पे रख लेता हूँ। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट को जो आपने अभी बनाए हैं, अलाइन किए हैं, इसको आपने सेलेक्ट करना है। नंबर वन सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आपने काम क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट पैनल में जाना है और इसका कंपाउंड बना लेना है। क्या बना लेना? कंपाउंड बना लेना है। जैसे ये कंपाउंड बनेगा, साइड पे जरा क्लिक करो और दोबारा से इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, ये आपका कंपाउंड पाथ हो गया, इकट्ठा हो गया, सारे ऑब्जेक्ट आपके कंपाउंड हो गए हैं। और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो लेयर्स पैनल में, ये आपकी पॉलीगॉन्स हैं सारी। ये आपकी कौन सी पॉलीगॉन है स्टूडेंट्स? ये देखिए, ये जो साइड पे पड़ी हुई पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है, ये साइड पे पड़ी हुई पॉलीगॉन्स हैं सारी, ये सारी आपके पास पॉलीगॉन्स हैं। और यहां पे नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, आपको अपने इमेज को इस पाथ के बिलो रखना है, ऐसा ही है, पाथ के बिलो रखना पड़ता है ना। ये जो आपने पाथ बनाया है, कंपाउंड पाथ जो बन गया है, इसके आपने इसको बिलो लेके जाना है। बिलो लेके जाने का तरीका क्या होगा, सेंड टू बैक, अरेंज में चले जाओ राइट क्लिक करके, सेंड टू बैक, ठीक है। और इसको इतना भी बैक नहीं लेके जाना कि वो आपके जो रेक्टेंगल था ग्राउंड उससे भी पीछे चला गया, अंडू कर देते हैं। तो इसको सेंड टू बैक की बजाय हमारे लिए राइट ऑप्शन इज सेंड बैकवर्ड, सेलेक्ट करके सेंड बैकवर्ड। या इसका और बेहतर तरीका क्या हो सकता है, लेयर पैनल, लेयर पैनल को फोकस करो, ये कहां पे आ गया है, इसको मजीद कहां पे जाना है, इसको आप यहां से डिसाइड करोगे, एकदम से पीछे ना फेंक देना। या इसको मैं चलो सिंपल आपको एक करके दिखा दो ट्रिक, इसको जरा साइड पे करते हैं, कंफ्यूजन ना रहे इस पूरी, इसको मैं यहां से खत्म करके अब आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये कंपाउंड पाथ ही दिख रहा है। ये गौर करो, लेयर पैनल में आपको क्या दिख रहा है, तो सारी पॉलीगॉन्स को आपने एक कंपाउंड पाथ के तौर पे बना दिया, यही है ना जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ये। और आपका इमेज कहां पड़ा हुआ है, इसके अब आप इसको यहां से पकड़ो और ड्रैग करके नीचे ले जाओ और यहां पे इसको लेके रख दो। अब तो पीछे आ रहा है ना, और लेयर पैनल इसीलिए होता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है। और ये कंपाउंड पाथ जो कि एक शेप में नहीं है बल्कि कोई 30-40 शेप्स है, इसको कंपाउंड कर दिया गया था, और ये आपका वो ऑब्जेक्ट है जो इसके पीछे रख दिया गया है। और फिर आपने आप दोनों को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने ऑप्शन क्या अप्लाई करनी है, क्लिप कर दिया। अब ये एज ए इंडिविजुअल सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, इससे पहले हमने ये सीखा था कि आप अगर चाहो तो एक शेप में एक इमेज को लोड करना सीखा था, शेप ऊपर रखते थे, इमेज पीछे रखते थे और इनको क्लिप कर देते थे। अभी तक यही किया था। आज आपको मैंने क्या ट्रिक सिखाई है, मैंने बोला कि आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, सेम रखने हैं, अलग अलग भी कर सकते, जरूरी नहीं सारी पॉलीगॉन से ही आपने सारी चीजें बनानी थी। आप कोई और ऑब्जेक्ट ले लो, उनका कॉम्बिनेशन बना लो और बना के एक अच्छा सा पैटर्न स्क्रीन के ऊपर डेवलप कर लो, और करने के बाद उसके ऊपर अप्लाई कर दो, क्लिप करवा लो उसको। लेकिन क्लिप करवाने से पहले उन सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके क्या करना है, कंपाउंड करना, बस
कंपाउंड याद रखना, कंपाउंड क्या करता है, एज ए आपके जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो सिलेक्शन में होते हैं उनको सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे कंपाउंड कर देता है, पाथ बना देता है। कंपाउंड का ऑप्शन मौजूद है, आप उसको राइट क्लिक करके भी कंपाउंड कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को। दोबारा से देखो, आपने अपने ऑब्जेक्ट्स बना लिए, ये ऑब्जेक्ट बना लिए, एक ये बनाया, ठीक है, इसकी सेम कॉपी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली। अच्छा, इसकी इस वक्त ना फिल है ना स्ट्रोक है, यहां नजर आ रहा है ना फिल है ना स्ट्रोक है। आप लोग कंपाउंड पाथ के लिए कंडीशन क्या है, फिल अगर आपने नहीं करोगे कंपाउंड पाथ नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, फिल इसकी ऑन करनी है। फिल कुछ भी कर लो, एनी फिल, फिल जरूर ऑन कर देना, फिल आपने मस्ट ऑन करनी है, ठीक है। स्ट्रोक लगाना नहीं लगाना कोई इशू नहीं, लेकिन फिल ऑन करनी है। और इसकी कॉपीज बना लो, सिलेक्ट करो ऑल्ट के साथ, इसकी कॉपीज जनरेट कर लो। अगर आपने डिस्टेंस देना दे दो, कंट्रोल डी से आपको पता है रिपीट होता है, और इस पाथ को आप नंबर ऑफ टाइम हॉरिजॉन्टली भी लेके आना चाह रहे हो ऑल्ट के साथ, ये ऐसे रखना है, बिल्कुल ऐसे रखना है, आपकी मर्जी है, जिस तरह का आप इमेज की इसके अंदर प्रेजेंस चाह रहे हो वैसे रख दो इसको, कंट्रोल डी। ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, नंबर वन आपने इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके एक काम करते हैं, इसकी एक कॉपी साइड पे मैं रख देता हूँ, एक ट्रिक करते हैं इस पर। अब ये देखिए, इन तमाम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो नंबर वन, जिनको एज ए कंपाउंड पाथ के तौर पे आपने ट्रीट करना है, राइट क्लिक करो। मिस्टर पूछ रहे थे सर कंपाउंड पाथ किस तरह बनता है, राइट क्लिक करके यहां से भी बन जाता है, कोई जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, फिर कंपाउंड पाथ में जाओ और मेक पे या कंट्रोल बी प्रेस कर दो, सबसे आसान है कंट्रोल बी प्रेस कर दो। क्या लिखा, कंट्रोल एट आठ, कंट्रोल एट आपने प्रेस करना है, ये कंपाउंड पाथ बन जाएगा जितने भी सिलेक्शन में है, ये एज ए इंडिविजुअल नहीं रहेगा सर्कल, ये कंपाउंड पाथ बन जाएगा, एक कॉमन पाथ बन जाएगा। इसके ये क्यों बनाना चाह रहे हो, बनाने से नहीं चाह रहे हो, इसको आपने यूज करना है क्लिप करने के। कंपाउंड पाथ बनाने के तीन तरीके हो सकते हैं, कंट्रोल एट प्रेस कर दो, नंबर टू ऑब्जेक्ट पैनल में जाकर कंपाउंड पाथ में मेक कर दो, तीसरा काम सबसे आसान है वो राइट क्लिक करो और मेक कंपाउंड पाथ कर। और हुआ क्या, ये साइड के ऊपर पैनल में देखो, लेयर में देखो, ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। पहले ये कितने थे, 5 × 5 = 25 ऑब्जेक्ट थे यहां पे नजर आ रहे थे बाकायदा, अब वो कंपाउंड पाथ के तौर पे ये रिप्रेजेंटेशन यहां पे नजर आ रही है। और इसका नाम भी मजे की बात है, कंपाउंड रख दिया, नाम क्या रख दिया उसने, कंपाउंड। अगर आप मुनासिब समझते हो तो ठीक है, अदरवाइज को रीनेम कर दो, सर्कल सर्कल कंपाउंड मुनासिब है, क्योंकि हो सकता है आपकी इलस्ट्रेशन के अंदर इलस्ट्रेटर में डिफरेंट जगह पे आपने कंपाउंड पाथ बनाया, तो नाम इस तरह के रखो, इसका नाम रख दो ब्लू सर्कल कंपाउंड, ठीक है, नाम जरा मीनिंगफुल होने चाहिए। ये जी मैंने, और अगला काम आपका क्या है, आपने इमेज को लेके आओ, नंबर टू इमेज को लेके आओ, जो इमेज आपको रिक्वायर्ड है इसमें इंसर्ट करना, ये लेके आए इमेज को, यहाँ पे उसको पुट करो, लेकिन पुट इस तरह करो कि ये इमेज को बिहाइंड ले जाओ। अब ये अबव है, ये यहाँ पे भी नजर आ रहा है ऊपर, ये अबव है, इसको बिलो ले आओ कंपाउंड पाथ के, आसान तरीका। जब ये आ गया, अब इन दोनों को आपने करना है सिलेक्ट, चाहे लेयर पैनल में जाके कर लो, चाहे यहाँ पे क्लिक प्लस क्लिक कर लो शिफ्ट के साथ। ये जब हो गया है, इसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, आप ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, क्लिपिंग मास्क मेक, अगर आप बेहतर समझो मेन्यू यूज करना चाहो तो, या कंट्रोल सेवन या राइट क्लिक करके कितने आराम से आपका काम है। एक पेज के लिए आप अपनी प्रोडक्ट अपना आर्ट बोर्ड के ऊपर कितने अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, दोनों एग्जांपल्स में अगर स्टूडेंट्स गौर करो, मैंने सेम शेप यूज किया, ये कंडीशन कोई नहीं है कि सेम शेप ही हो, डिफरेंट शेप्स की कलेक्शन भी हो सके, अच्छा सा पैटर्न बना के उसको कंपाउंड करके उसके अंदर क्लिपिंग मास्क अप्लाई कर दो, ऑब्जेक्ट को क्लिप करवा लो, जरूरी नहीं है कि सेम शेप्स हो। अगर आप समय तो सेम शेप से एक अच्छा इफेक्ट जनरेट हो रहा है, ग्राफिक्स बन रही है, सेम शेप यूज कर लो। अगर आप समय तो डिफरेंट 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 होनी चाहिए, वो भी कर सकते हो। जैसे
और जरूरी नहीं उसकी ऑरिएंटेशन एक जैसी रखो, डिफरेंट भी हो सकती है। ये एक आपके पास पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन आपने ड्रॉ किया और डाउन एरो से इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लिया, ये ट्राइंगल्स बन गई, एक ट्राइंगल बनी है, ठीक है। इसकी अगर आप समझते हो फिल ऑन करनी जरूरी है, फिल कर लो इसकी, ये फिलिंग भी मैंने कर ली, इसकी प्लेसमेंट है जैसे आप मुनासिब समझो, इसकी प्लेसमेंट आप अपने लिए रेडी कर लो। फ्लिप कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर दूं, कल हमने रिफ्लेक्ट सीखा था। कॉपी नहीं करनी, ओके कर देते हैं, कॉपी नहीं कर रहा, ओके कर रहा हूं। अच्छा, अगर आप इसको अगर आप समझो मुनासिब, इसके में हमें थोड़ा सा एंगल, चले जो भी है, इसको हम फर्दर कॉपीज अगर लेनी है आप फर्दर कॉपीज ले लो, अगर इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आपने लोड करना है इजीली आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट लोड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती हैं शेप्स और सेम भी आपके पास कॉपी इसकी हो सकती है, और ये आपने बनाने के बाद इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके इसका क्या बना लो, कंपाउंड पाथ, और कंपाउंड पाथ बना के उसके ऊपर आप अप्लाई कर दो क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, एक इमेज की जरूरत पड़ेगी, उसको आप कर लो इंपोर्ट, और इंपोर्ट करने के बाद ये इस तरह आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ इसको प्ले करके देखना है, अंडरस्टैंड करना है, और एक अच्छा डिजाइन क्रिएट करने की तरफ आप लोगों ने जाना है, ठीक है। और यू हैव टू पुट दिस बिहाइंड, वो आप कर लेना, ऑप्शन है ना डिफरेंट डिफरेंट, मुझे ये अच्छी लगती है, आप वो जो अच्छा लगता है वो ऑप्शन, मतलब एक काम के तीन चार तरीके हैं ना, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो, मैं इस तरह कंफर्टेबल हूँ। अब शोधुल्ला साहब किसी और एक्शन में कंप्लीट है वो कर लेंगे, मतलब कमांड के थ्रू करना है, शॉर्टकट की यूज करनी है, मेन्यू यूज करना है, तीनों में से जो दिल करता है आप उसको अप्लाई कर सकते हो, अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट सेम आने चाहिए, रिजल्ट सेम आने चाहिए। और अगर आपने ये क्लिप कर दिया, इसके अंदर अगर आपको चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, तो फोटो को आपने आगे पीछे करना है, साइज बड़ा छोटा करना है, आप यू कैन डू एनीथिंग, और ये आप यहां से भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट पैनल में क्लिपिंग मास्क में एडिट कॉन्टेंट, यहां से भी कर सकते हो कॉन्टेंट एडिट, रिलीज भी करवा सकते हो उसको, रिलीज का मतलब निकाल के बाहर फेंको, जो कैप्चर किया है क्लिप किया है रिलीज कर दो उसको, एडिट करने पे हैंडल अवेलेबल होते हैं, आप इसको अपनी मर्जी से इसको रिसाइज उस पाथ के अंदर एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। ये असल में ट्राइंगल्स थी ना, कुछ इस तरह की शेप बनी हुई थी, और ये जब फाइनल हो जाए तो साइड पे क्लिक कर दे, दोबारा से देखो आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट पैनल में, अच्छा एक और तरीका हो सकता है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, तब भी आपको आइसोलेट मोड में एडिट करने के लिए अवेलेबल हो जाता है, और अगर आप गौर करो टॉप पे ये क्लिप और ये लेयर और ये एग्जिट, और अगर आप गौर करो यहां पे भी अगर आप चेक करो, ये देख रहे हो लेयर पैनल में, चूंकि मैंने डबल क्लिक किया हुआ है तो ये आपको जस्ट उस लेयर के रेलेवेंट ही आपको कॉन्टेंट दिख रहा है, जैसे एग्जिट करोगे ये एक और, ये जरा लेयर पे गौर कीजिएगा, लेयर वन और ये एग्जिट, और ये आपको प्रॉपर टोटल कंटेंट है। और मजे की बात सुनो, ये काम आप यहां से भी कर सकते हो कि आपने ये क्लिक करो, इसमें दो चीजें होंगी, एक आपका वो पाथ वो सर्कल्स कंपाउंड जिसको किया था, दूसरा वो ऑब्जेक्ट जिसपे आपने क्लिक करवाया जिसपे, अब ये कौन सिलेक्ट है इस वक्त, जो बिलो क्या था कंपाउंड वाल के नीचे क्या रखा हुआ था आपने, इमेज रखा हुआ था, ये इमेज इस वक्त सिलेक्टेड है,
और अब अगर मैं ऊपर वाले पे क्लिक करूंगा, ये क्या सिलेक्ट है? ये कंपाउंड पाथ सिलेक्ट है, और अंडर वन हेडिंग जिसका नाम है क्लिप कंपाउंड। आपने क्लिप कंपाउंड तीन जगह पे किया है, ये पहला आपके पास क्लिप कंपाउंड है, अगर ऑफ कर दो। ये दूसरा क्लिप कंपाउंड है जो साइड पे पड़ा हुआ है, ये देख रहे हो, ऑफ कर दिया मैंने, ये देखो। और उतने ही क्लिप कंपाउंड आपके ये विजिबल हो रहे हैं, ये देखो। और हर क्लिप कंपाउंड में दो दो चीजें होंगी, क्या? एक कंपाउंड पाथ और उसके नीचे उसका रिस्पेक्टिव इमेज। इसलिए लेयर जिसने समझ ली उसके लिए काम करना आसान हो जाता है। लोग ध्यान नहीं देते लेयर्स के ऊपर, हालांकि लेयर्स में बहुत सारी चीजें हैं, अरेंजमेंट, क्लिपिंग, ये वो, जो कुछ भी करोगे वो लेयर्स आपको, अगर उस पर आपने कमांड हासिल कर ली तो इलस्ट्रेटर या ग्राफिक्स में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। लेयर्स में जो अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल हो रही है किसी को, हालांकि कुछ भी नहीं है, क्या ख्याल है? और वो देखो पूरी एक ग्रुप को इनसाइड वन नोड वो क्लिप कनेक्ट कर देता है यहां से। ये दूसरा है, ये तीसरा है, और एक सर्कल मैंने रखा था साइड पे कहीं पे, कहां गया वो सर्कल? ये वाला, ये सर्कल रखा था, ये देखो लेयर्स सामने है। मेरे लिए काम करना आसान हो रहा है, मुश्किल नहीं हो रही मेरे लिए। अब ये मैं क्या करने लगा हूं, ये लो, और इसको मैं टॉप पे लेके आता हूं। अबव दिस वन, ये ना, इसको ड्रैग करके जरा ऊपर लेके आता हूं। ओपेसिटी डाउन, इसकी कॉपी निकाल लो ऑल्ट के साथ। ये देख रहे हो सर, एक काइंड ऑफ इफेक्ट्स रखे गए हैं, क्या करना है? कौन सा कलर? क्वाड्रेंट वाला, ग्रेडियंट वाला, वो ग्रेडियंट भी सीखते हैं अभी। कितना मजे से आपने उसके ऊपर ओपेसिटी डाउन करके ब्लू को थोड़ा सा इमेज भी दिख रहा है, डिजाइन का डिजाइन बन गया। कलर डिफरेंट रखने हैं, डिफरेंट कर लेते हैं, ये लो दो तीन चार पांच कलर इसका ऑरेंज कर लेते हैं। रेड कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, जो मुनासिब समझो। ओपेसिटी थोड़ी सी इसकी डाउन कर दो, ओपेसिटी उसकी डाउन कर दो, किसी की हाई करनी हाई कर दो सिलेक्शन में, किसी एक की करनी हाई हाई भी कर सकते हो। तो इस तरह आप अगर गौर करो तो क्लिप करने के बाद आप उसको फर्दर वर्क भी कर सकते हो, उसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके जो अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वो आप इसको अप्लाई कर। तो एक अच्छा विजुअल क्रिएट होते हुए सामने नजर आएगा। इसकी हेडिंग वेडिंग लगाओ, इसका टाइटल लगाओ, स्टेप्स लगाओ, पैटर्न्स की डिफरेंट आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, अच्छे से पैटर्न लगाओ। और यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ फॉर्मेट में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, क्लिक पर ड्रैग करके एक मिनट, यहाँ से आपने कोई इसका टेक्स्ट वेक्स देना है, कोई टाइटल्स देने हैं, कोई आपने डिस्क्रिप्शन देनी है पेजेस के ऊपर, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आप इसको यूज करते हुए ये सारा एक्शन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, एक काम करते हैं, दोबारा से बॉक्स बना देता हूँ। बॉक्स बनाने का टेक्स्ट टूल है, और ये आपने टाइप टूल के साथ जाना है। अगर आप किसी शेप के अंदर बनाना चाह रहे हो टेक्स्ट, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, आपकी मर्जी है। इसको आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है, और ये आपको पास वो टेम्पलेट आ गया है लॉरेसम का, जो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा। बाकी इसको सेंटर में करना है, अलाइनमेंट करनी है, ये आपको मैंने पहले बता दिया, यहाँ से आप कर लो इसको। ठीक है, बाकी ये एक अच्छा पेज, और यहाँ पे आपने प्रॉपर टाइटल वाइटल जो देने हैं वो दे के एक अच्छा आप डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट करके रख सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट किया जाए,
ये साइड वाला जो पैनल है इसको रख के इसके ऊपर अटेम्प्ट करके देखा जाए तो मसला कोई नहीं है। आप एक ही पेज के ऊपर डिफरेंट उसी वर्जन दे सकते हो। करना क्या जनाब, पहले तो सिलेक्ट करना है सारों को। ये सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन में कौन कौन शामिल है, ये कुछ सर्कल्स हैं रेड वाले, क्लिपिंग मास वाला सारा एरिया आपका इसमें सिलेक्शन में ऑन हुआ है। ठीक है, यही है, चेक कर लेते हैं, ये है ना। ठीक है, इनको आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसका ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने का तरीका होता है कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। ग्रुप इसलिए बनाते हैं ताकि मूवमेंट में मुझे दिक्कत ना हो, सिलेक्शन में मुझे दिक्कत ना हो, जब मैं एक पॉइंट पे क्लिक करूं उससे रेलेवेंट जितने भी सराउंडिंग के एलिमेंट हैं सारे सिलेक्ट हो जाए। तो कंट्रोल जी कर दो और ये देखो उधर क्या होने लगा, लेयर्स में देखो क्या होने लगा। कंट्रोल जी ग्रुप, और ग्रुप के अंदर वो सारे इकट्ठे हो गए। और इसका नाम रख देते हैं ग्रुप का सेकंड डिजाइन, सेकंड मॉडल, ले जी ग्रुप का नाम। और अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी तरह इधर वाले एरिया को भी सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, और ये जो है आपके पास मौजूद है ये वाला, ठीक है, ये ग्रुप ही बना हुआ है। इसके अंदर कुछ ऐसा मैंने और एलिमेंट तो रखे नहीं, उसमें सर्कल लगाए थे ना मैंने, वो ट्रांसपेरेंसी उसकी मैंने करी थी। अब अगर आप इसको हटा के इसको रखना चाहो, और इसको हटा के अगर इसको रखना चाहो, आप काम कितना आसान हो रहा है। अब तीनों चीजें मौजूद हैं, आपकी मर्जी है। ये नहीं देखना, ये देखना है, ये नहीं देखना, ये देखना है। तीनों वेरिएशंस आ गए, जैसा प्रिंट निकालना चाहो निकाल लो। एक ही आर्ट बोर्ड के ऊपर तीन डिफरेंट वेरिएशन डिजाइन की दे दी। टेक्स्ट के लिए अलग फ्रेम बना लो, उसको भी इसके साथ कनेक्ट कर दो, उसके साथ ये फ्रेम में ये आएगा। अगर ये होगी मॉडल, उसकी डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है, ये मॉडल होगी उसकी डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है, ये मॉडल है उसकी डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है, ये भी हो सकता है। ये नीचे जो डिटेल है ना डिस्क्रिप्शन की, मिसाल के तौर पर ये डिस्क्रिप्शन है रेलेवेंट टू दिस मॉडल, क्या प्रोफेशन है, क्या एज है, किस कंट्री की है, ये वो समझ लो, दो मिनट के लिए इमेजिन कर लो। इसका मतलब ये एक ऐसा पेज रेडी हो रहा है जो 3-in-1 है। क्या ख्याल है, डिस्क्रिप्शन को भी इस ग्रुप का हिस्सा बना दो ना, इस मॉडल के साथ उसी ग्रुप में डाल दो और उसी ग्रुप के साथ ऑन ऑफ होगा। तीन डिफरेंट डिफरेंट, इसकी अपनी डिस्क्रिप्शन, दूसरे की अपनी, तीसरी की अपनी, हो नहीं सकता क्या? हो सकता है ना सब कुछ। और ये सारी चीजें आपके लिए कितनी आसान हो जाती हैं अगर आप ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी शुरू कर दो, ये वाली। अच्छा जी, हाँ जी, क्या कह रहे थे? शुक्र। अच्छा, तो ये बहुत अच्छे सही है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये जो जरा अभी आपको जो मैंने एक्शन करना सिखाया वो क्या करवाया, मैंने कहा डिफरेंट शेप्स को लो, एक पैटर्न बनाओ, पैटर्न को कंपाउंड बनाओ, कंपाउंड के बाद इमेज को लोड करो, बैक पे लेके जाओ और क्लिप करवा दो। ये किया ना मैंने, 3 बार करके दिखाया, फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो वीडियो देख लेना। अब मैं आपको एक अलग से एक थोड़ा सा हम एक और एक्शन करते हैं, पाथ फाइंडर में आज आपको करवाना चाह रहा था। पाथ फाइंडर क्या करता है, पाथ फाइंडर से रेलेवेंट कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमारे पास तकरीबन अभी आधा घंटा है, आधे घंटे के अंदर पाथ फाइंडर को एक्सप्लोर करते हैं। बाकी को भी तो देना आइडिया। अच्छा, ये एक ऑप्शन है सामने आई है, टेक्स्ट आपको लिखना आता है, टाइटल आपको लिखने आते हैं, क्या वो जो टेक्स्ट है या टाइटल है उसके अंदर अगर आपको कहूं कि इमेज लोड कर दो, इमेजेस ले जी, क्योंकि टेक्स्ट लिखना आता है, चलिए टाइटल भी लगाते हैं, यहां पे टाइटल देते हैं, इसी के ऊपर टाइटल देते हैं, और टाइटल में मैं कोई इमेज को यहां पे लोड करना आपको सिखा देता हूं। यहां भी हमने कोई टाइटल देना है, इसको निकाल देते हैं हम, यहां पे
एक टाइटल देते हैं और हर लेटर को कंटेनर के तौर पे यूज करते हैं जो इमेज को कंटेन करेगा कोई भी जो आप रखना चाहते। अब ये कैसे, ये देखो यहां पे एक वर्टिकल टेक्स्ट लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल लिखना हॉरिजॉन्टल लिख लो, वर्टिकल लिखना वर्टिकल लिख लो। यहां पे मैं देता हूं वुमन मैक, ये मैंने टेक्स्ट लिखा, यहां पे मैंने प्लेस कर दिया। इसके ऊपर मैं फॉन्ट जरा बिग बोल्ड काइंड ऑफ फॉन्ट लगाता हूं, बिग एंड बोल्ड, बिग तो ठीक नजर आ रहा है, बोल्ड लेते हैं जरा। ये ठीक है, फॉन्ट्स बेशुमार मिल जाएंगे, वो टेंशन नहीं। ठीक है, अब आप क्या चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो W जो है ना, W के अंदर एक इमेज आ जाए, O के अंदर एक अलग इमेज आ जाए, M के अंदर एक और इमेज आ जाए। अब ये कैसे होगा, सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट को जो फॉन्ट आपने मुनासिब लगाना लगा दो, जो टेक्स्ट है इसको आउटलाइन या शेप में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या मैंने बोला, जो आपने टेक्स्ट लिखा है क्योंकि इसने क्लिप करना है अपने अंदर किसी ऑब्जेक्ट को, अगर आप चाहो चले पहले मैं एक काम करता हूं, अलग अलग नहीं करते हर लेटर में, मैं एक ही इमेज को इस पूरे वुमन मैक टेक्स्ट के अंदर क्लिप करवाता हूं, क्लिपिंग मास्क अभी आपको सिखाया। ठीक है, आप इसके अंदर भी क्लिपिंग मास्क कर सकते हो, जरूरी नहीं होता कि रेगुलर शेप जो हो, सर्कल्स पॉलीगॉन्स ट्राइंगल्स, उनको ही क्लिप कर किया जाए, आप किसी टेक्स्ट के अंदर भी किसी इमेज को क्लिप कर सकते हो। कैसे, ये देखो ये आपका एक टेक्स्ट है, अब आपने वो इमेज ले आओ जिसको क्लिप करना है, नॉर्मल शेप में तो हमें क्लिप करना आता है, अब मैं इसको किसी जनाब, ये एक इमेज, ठीक है, इसको मैं इनसाइड दिस क्लिप करना चाह रहा हूं, इस इमेज को चल, यहां पे पहला स्टेप क्या होगा, इस इमेज को बिहाइंड लेके जाओ, पहला स्टेप तो वुमन टेक्स्ट लिखा हुआ है ये है, इसके बिहाइंड ले जाओ, अगेन लेयर बिहाइंड चला गया, अब क्या करना है, अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है और अब बैक पे ले गया ना मैं इसको, और इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या करना है, हो गया टेक्स्ट के इनसाइड क्लिप हो गया, इसको आप एडिट कर लो। एडिट करने का तरीका मैंने आपको बोला था कि आप डबल क्लिक करके भी इसको एडिट कर सकते हो कंटेंट को, अगर आप उसको स्ट्रेच उस हिसाब से करते, इसलिए मैंने स्ट्रेच कर रहा था उसके कंटेंट को, और अगर आप यहां से एग्जिट करके अगर आप यहां से भी करना चाहो, आप यहां से भी कर सकते हो, आप यहां से भी कर सकते हो क्लिप किया हुआ ऑब्जेक्ट जो कि ये है इसके इनसाइड, इसको यहां से ड्रैग कर लो, ऐसे चेक करो, हो गया इमेज क्लिप हो गया। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं W में कुछ और करना है, O में कुछ और करना है, M में कुछ और करना है, E में कुछ और करना है, ये कैसे होगा, आपको सर एक काम करें, W को अलग लिख लें, इमेज को लोड करके क्लिप करवा लें, O को अलग लिख लें, जिस तरह एक पूरा वर्ड लिखा ना वो मैं मैग, आप W अलग करके उसको क्लिप करवा लो, O को अलग लिख के क्लिप करवा लो, इस तरह भी तो हो सकता है, इसमें तो टेंशन वाली बात नहीं, एक तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने अपना टाइटल लिखा
ये टाइटल लिख दिया, इसको आप पुट कर दो ओवर योर, नहीं जनाब ये मैंने कर दिया। करने के बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब आप ये चाह रहे हो कि इसके इनसाइड हर एक इंडिविजुअल करेक्टर के इनसाइड ये क्लिप हो, जब आपने लिख दिया इकट्ठा लिख दिया, अब क्या होगा, अब हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय इसके कि इस पूरे टेक्स्ट के इनसाइड एक ही में जाए, अभी तक तो यही हमने देखा। इसके लिए अब क्या करना क्या, आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, एक तरीका ये हो सकता है लॉन्ग मेथड है एफ अलग लिखो क्लिप करवा लो काम खत्म, फिर ओ लिखो इमेज लोड करो क्लिप करवा लो, फिर ए के बाद एस लिखो फैशन का, फिर उसके इमेज इंसर्ट उसके नीचे रख के क्लिप करवा लो, इस तरह भी कर सकते हो। क्या इसको हम इसको क्या करें, अब इसको आप इस तरह करो कि इसको कन्वर्ट करो, ऑप्शन है क्रिएट आउटलाइंस, क्या कर दो क्रिएट आउटलाइंस, ये इसकी शी की शिफ्ट कंट्रोल ओ, हर एक लेटर एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बोला हर एक लेटर आउटलाइन, मतलब उसकी आउटलाइंस एक कर्व्स में कन्वर्ट हो जाएगा, हर एक लेटर फॉन्ट नहीं रहेगा, ये भूल जाओ कि इसका फॉन्ट एरियल कर दूं टाइम रोमन कर दूं, नो अभी कर सकते हो क्योंकि ये फॉन्ट है, जैसे आपने क्रिएट आउटलाइन कर दिया ये फॉन्ट अपनी एक्चुअल जो प्रॉपर्टीज है वो लूज कर जाएगा और ये होगा फिर जनाब। अब आओ सर मुझे तो कुछ नजर नहीं आया होते हुए, अभी आपको कुछ होते हुए नजर नहीं आया, अब देखो ये चेक करो क्या ग्रुप नहीं बन गया हर एक लेटर का अलग अलग, इसका मतलब हर एक वर्ड का लेटर जो है वो एक शेप बन गई और ऊपर उसका टाइटल भी रखते ग्रुप, ये है जो ग्रुप पूरा, ये अच्छा ये कैसे बना, लिखा तो मैंने सिंगल आर्टिस्टिक टेक्स्ट लिखा था एक वर्टिकल, लेकिन जैसे मैंने क्रिएट आउटलाइन किया इसने क्या कर दिया हर लेटर को इंडिविजुअल शेप में कन्वर्ट कर दिया, एफ अलग ए अलग फैशन का एस एच आई ओ एन सब अलग अलग हो गए और ये आपको बाकायदा यहां पे नजर भी आ रहे हैं लेयर्स में। अब अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, अगला काम हो गया आसान, शेप लाओ क्लिप करवा लो, या एक और काम हो सकता है, ये देखो काम क्या हो सकता है, एफ के ऊपर आओ जरा क्लिक करो, सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन में जाओ, अब आप एक और चीज गौर करो, आपके सारे लेटर जो हैं जब मैं आप क्लिक करता हूं उसके साथ काफी सारे एंकर्स नजर आने शुरू हो गए, क्यों ये अब शेप बन गई है, इसी तरह जैसे सर्कल था एलिप्स था लाइन था पॉलीगॉन था ये शेप बन गई और अब आपको इससे और क्या क्या हो सकता है, बड़े मजे मजे की चीजें हो सकती हैं, ये चेक करो नोड्स एंकर्स लग गए, इन एंकर्स को भी आप सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से इसको शेप अप कर सकते हैं, जब कर्व्स में कन्वर्ट हो जाता है आप इसको अब एंकर्स को क्लिक करके शिफ्ट के साथ, और अगर आपने मल्टीपल एंकर अगर आपने सिलेक्ट करने हो बड़ा आसान सा तरीका बताने लगो, ये ऑप्शन है इसका नाम है लेसो, लेसो से भी सिलेक्शन हो जाती है, देखो जितने एंकर इसमें आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ब्लू किसी एक को पकड़ के, सॉरी अगला काम सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन, दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, डायरेक्ट सिलेक्शन से आपने एक्टिवेट किया ब्लू इंडिकेटर्स आ गए, अगर आपको इस वक्त करना ये सारे एंकर सिलेक्ट है, किसी एक को करना हो क्लिक कर दो, किसी एक को करना हो क्लिक कर दो, मैं कहता हूं मुझे इसकी साइड वाली बॉडी ये सारी सिलेक्ट करनी इधर वाली, तो सिलेक्ट करने के लिए एक तरीका ये हो सकता है क्लिक प्रेस ड्रैग, ऐसे ये एंकर सिलेक्ट हो गए और सिलेक्ट हो गए इनमें से किसी एक को, डायरेक्ट सिलेक्शन चूंकि एक्टिवेट है किसी एक को पकड़ के इधर आ जाओ, हाँ ये देखो शिफ्ट के साथ करोगे, अगर आपके पास क्लिक प्रेस ड्रैग का मार्जिन ना हो शिफ्ट के साथ कर लेना, चेक करो ये वाला एरिया सिलेक्ट करना है, हो गया ब्लू ये लो, अगर आपको कहूं कि इसके अलावा कोई तरीका है सिलेक्शन करने का, बिल्कुल है आसान सा है,
लासो, ये टूल, ये एंकर्स को आप अपनी मर्जी से zigzag करके सिलेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ये करने लगा, ये देखो, ये करना आसान, ये शिफ्ट से क्लिक 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 क्लिक, टाइम लगता है। सिलेक्शन का यूज क्या है कि आपने एंकर्स को सिलेक्ट करोगे, इसको शेप अप करना, शेप चेंज करना। जैसे ये देखो, एस को और करो, लेसो मैं बताता हूँ एक सेकंड, ये देखो एंकर नजर आने शुरू हो गए। अच्छा ये कब नजर आएंगे स्टूडेंट्स, जब आप इसकी आउटलाइन में कन्वर्ट करोगे तब नजर आएंगे, वैसे नहीं। वैसे तो टेक्स्ट है सिंपल, फॉन्ट चेंज हो जाएगा बस, टेक्स्ट के ऊपर ये हो सकता है। लेकिन अगर आपको कहो यार ऐसा अगर थोड़ा सा फॉन्ट इस तरह होता कि इसकी मैं थोड़ी सी इधर से शार्प कर देता है इसके एज को, या बाहर की तरफ निकाल देता, आप फॉन्ट पे तो नहीं होता, इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आउटलाइन में कन्वर्ट करके अब आपके पास टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन, और डायरेक्ट सिलेक्शन से ये काफी सारे ब्लू इंडिकेटर या एंकर्स कहलाते हैं। इस वक्त सारे सिलेक्टेड है, इसीलिए जब आप इसको मूव करोगे सारे मूव हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ इस दो एंकर्स को सिलेक्ट करना है या इसके एज को शार्प करना है, ये देखो, ये देख रहे हो एक राउंड सी शेप नजर आ रही है ये वाली, इसको यहां से ड्रैग इन करके ऐसे शेप भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो शार्प, ये राउंड, ये शार्प, ये राउंड, ये डायरेक्ट सिलेक्शन। जहां पे शार्प एजेस होंगे उनके लिए है, जहां शार्प एजेस हैं जनाब, जैसे ये शार्प एज नजर आ रहा है, ये छोटा सा राउंड सर्कल नजर आ रहा है, और आप माउस को जब डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ जाते हो छोटा सा आर्क भी नजर आता है, इसको यहां पे क्लिक करके पॉइंट के ऊपर नहीं, इस सर्कल के ऊपर, ये देखो, ये देखो दोनों सिलेक्ट हैं, इसलिए हो रहा है। किसी एक पे क्लिक करोगे सिर्फ एक होगा, अगर इधर करोगे ये एक होगा, इधर क्लिक करोगे ये एक होगा, दोनों को करना है तो यहां आगे शिफ्ट के साथ करना है, शिफ्ट के साथ दोनों सिलेक्ट हो गए। आप किसी एक को ड्रैग इन करोगे दोनों इन होंगे, ड्रैग आउट करोगे दोनों आउट होंगे, तो ये बात। और अगर आपने एंकर्स पे काम करना है, एंकर को सिलेक्ट करने का तरीका, ये ब्लू इंडिकेटर, ये छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे, ये ब्लू, इस पे क्लिक करने से एंकर सिलेक्ट होता है, और एंकर सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ होता है। सिलेक्शन से ना करना, सिलेक्शन से कुछ नहीं होना, सिवाय इसका साइज बड़ा छोटा करना। दोबारा सुनो, दोनों में फर्क है। आउटलाइन में कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आपको कितना जबरदस्त किस्म की ऑप्शन अवेलेबल हो गई। जब आप इसको क्लिक करते हो तो ये अब आप साइज बड़ा छोटा करने कर सकते हो, बस ये ऐसे हैंडल्स आ जाते हैं, रोटेट कर सकते हो इसको ऐसे। लेकिन अगर आप कहो मुझे इसे शेप अप करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन। अब आपके पास एंकर्स आते हैं, एंकर्स में जो शार्प एजेस हैं उसको राउंड कर सकते हो, प्लस क्या चीज, ये डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से शार्प एजेस को राउंड करना हो, डायरेक्ट सिलेक्शन से एंकर्स के ऊपर शेप सेट करना, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं और मजे की चीजें हैं। लेकिन ये कब अवेलेबल होंगी, जब टेक्स्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट करेंगे, वरना नहीं, वरना ये पॉसिबल नहीं है। आपने टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट लिखने के बाद सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करने के बाद टाइप मेन्यू में क्रिएट आउटलाइन की ऑप्शन है बस, और उसके बाद आपने डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन में फर्क मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन में आप एंकर वाइज पॉइंट्स के ऊपर काम कर सकते हो, जबकि सिलेक्शन में सिर्फ साइज वाइज और रोटेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ये डायरेक्ट सिलेक्शन, ये देखो क्या क्विक सिलेक्शन, हाँ लासो के साथ। लासो क्या करता है कि मुझे ये मैं पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, सिंगल पॉइंट सिलेक्ट करना मसला नहीं, मल्टीपल पॉइंट सेलेक्ट करना मसला है। बजाय ये कि एक काम हो सकता है कि आप ऐसे कर लो क्लिक पे स्ट्रैक, ये जितने इस बाउंड्री में आ जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, जितने इस बाउंड्री में आ जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये तीन हुए इधर वाले, ये देखो ये ऊपर वाले करने क्लिक पे स्ट्रैक, ये देखो ये वाले। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ये अंदर वाले। अब आपको सिलेक्शन में डिफिकल्टी अगर फेस कर रहे हो आप लैसो यूज कर लो, इससे फायदा
आप एंकर्स ब्लू नजर आ रहे हैं, आपने जस्ट यहां पे जाना है, जो इस राउंड में आ जाएंगे वो एंकर हाईलाइट हो जाएंगे, एंकर हाईलाइट हो जाएंगे, तो इनमें से किसी एक को पकड़ना, लेकिन पकड़ने के लिए फिर डायरेक्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए लेसो में जरूर आए, वर्क करने के लिए दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन। लेसो पहले तो इसको क्लिक करो, हाईलाइट करो, करने के बाद लेसो में जाओ, लेसो में जाके अगर आपको ये अबव वाले सिर्फ ये वाले करने हैं, इतने इस हिस्से में आके इसको सिलेक्शन ऑन करने के बाद फिर जाओ डायरेक्ट सिलेक्शन में, इसमें से किस पॉइंट पे आपने काम करना है वो कर, समझ रहे हो कितना मजे से काम हो रहा है। क्या नहीं, लेसो में कुछ नहीं है, क्विक सिलेक्शन कोई नहीं है, एक ही टूल है लेसो, बस इसके अंदर कोई इसका कंपेनियन कोई नहीं है, अकेला ही है। अभी फिलहाल लेसो का इस्तेमाल इसके अलावा भी है, लेकिन अभी मैं जिस टूल के साथ कनेक्ट हूँ सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, एंकर को सिलेक्ट करने के लिए, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए। बिल्कुल बनते हैं, ये देखो शेप अगर आपकी है, ये मैं साइड पे बनाता हूँ, आप एरो करता हूँ, ये पॉलीगॉन या हेक्सागॉन है, ठीक है। अगर आप इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, यहाँ पे भी लेसो टूल का यूज है, जैसे ये मैंने आपके पास एक शेप बन गई, बनने के बाद आप अगर इस पॉइंट पे क्लिक करते हो ये एंकर सेलेक्ट होता है, इस पॉइंट पे क्लिक करते हो ये एंकर सेलेक्ट होता है, इस पॉइंट पे क्लिक करते हो ये एंकर सेलेक्ट होता है। अगर आपने इन दोनों को करना हो तो शिफ्ट के साथ कर सकते हो ऐसे। ऑल्टरनेट क्या है जनाब, ऑल्टरनेट ये है, लेसो क्लिक किया, ऊपर वाले तीन करने, नीचे वाले नहीं करने, ये लो नीचे वाले देखो व्हाइट है, ऊपर वाले ब्लू हो गए, इनको आप किसी एक को, लेकिन अगेन याद रखना। अच्छा मजे की बात सुनो, अब अगर आप इस सिलेक्शन में आपको ख्याल आए यार ये तीन नहीं, मुझे इधर वाला ये भी करना था, ये वाला कोई मसला नहीं, लेसो को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस कर दो, शिफ्ट करके प्लस आएगा साइन, और इसमें ये भी सिलेक्ट कर, ये लो, बाद में भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन शिफ्ट के साथ करना, और जब हो गया है डायरेक्ट सिलेक्शन को अप्लाई करना, और सिर्फ एक पॉइंट फिक्स है, बाकी सिलेक्शन से आउट है, एक पॉइंट को नहीं ना सिलेक्ट किया था आपने, समझ रहे बात, ये शेप बन गई, और ये शेप आपने यूजिंग लेसो एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये शेप बना दी, बाकी ये सिलेक्शन के लिए है जनाब। अब ये असल में है क्या, ये पॉलीगॉन था जिसको डायरेक्ट सिलेक्शन से एंड लेसो से चेंज किया। कौन सा कलर, क्वाड्रेंट कौन से होते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, हाँ ग्रेडियंट का पूरा टॉपिक है, ग्रेडियंट का पूरा टॉपिक है, जो सीख रहे हैं सीख लो पहले। अच्छा अगला काम क्या करना था, अभी हमने क्या डिसाइड किया था कि हमने इंडिविजुअली हर एक जो लेटर है उसके अंदर पुट करना है, कर लेते हैं जनाब। एफ है जैसे इसके अंदर, अब आपने इसको पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है, सिलेक्ट आप इसको, ये है जी लेटर, इसके अंदर आप अपने इमेज को पुट करना है। अब ये इसका तरीका क्या है, ये आप यहां पे तीन बॉटम पे, आज आपको एक नई चीज इसमें दिखाने लगा हूं, ड्रॉ इनसाइड, आज आपने फर्स्ट टाइम एक टूल को एक्सप्लोर करना है, टूल बॉक्स में जरा मैं साइज बढ़ा करके दिखाता हूं, ये देखो ये जी टूल, बाय डिफॉल्ट आपने आज तक गौर नहीं किया लेकिन ये तीन बटन यहां मौजूद है, ये है क्या, ये जी ड्रॉ इनसाइड, इसका नाम है ड्रॉ इनसाइड, ये क्लिक करना है ड्रॉ इनसाइड। अब इससे होता क्या है वो मैं करके दिखाता हूं आपको, ड्रॉ इनसाइड ऑन कर दिया फॉर दिस वन, ये देख रहे हो इसकी इर्द गिर्द आपके चार व्हाइट कलर की ब्रैकेट्स आ गई, ये पहले नहीं थी, ड्रॉ इनसाइड से आई है। अब आपने करना क्या स्टूडेंट्स,
आपने फाइल में जाना है, प्लेस करना है, जिस इमेज को एफ के अंदर प्लेस करना है उसको सिलेक्ट करना, और यहां आ जाओ। इस इमेज को आपने इसकी बाउंड्री में ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप करना, देख रहे हो क्या आपका वो इमेज जो है इस बाउंड्री के अंदर ही आ रहा है, चेक करो। और जहां तक इसकी फर्दर आप इसको करना चाह रहे हो साइज वाइज, आप कर सकते हो। ये लो जनाब, ये आपका इमेज है, ये ड्राइंग साइड है, ड्राइंग साइड ने दोबारा से देखो, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। ड्राइंग साइड क्या करता है कि आपके जूम आउट कर देता हूँ, क्योंकि जो मैंने दिखाना था आपको समझा दिया। अब आप जरा गौर कीजिएगा, ये मैंने एफ के ऊपर इमेज को सिलेक्शन टूल से लेके जाना है, ये लो जी। और इमेज आपका चूंकि मौजूद है एक लोकेशन पे, तो इसको लॉक कर देना चाहिए था मुझे। एक काम करते हैं, दोबारा से देखो, ये यहाँ पे पड़ा हुआ क्लिप हुआ हुआ इसके अंदर, ड्रॉ इनसाइड हुआ हुआ इसके अंदर, और ये आप यहां से इसको इसी ना, दूसरा लेटर है, ठीक है, ये दूसरा लेटर है, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर भी आपको इमेज ड्रॉप करना है। इमेज ड्रॉप करने का एक तरीका तो ये हो सकता है, इमेज ले आओ, क्लिप पास करवा लो। एक ऑप्शन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसका नाम है, ऑप्शन का नाम ये देखो, जैसे मैं इसके ऊपर माउस को लेके गया, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है अगर आप पढ़ सको, ड्रॉ, नाम क्या है इसका, ड्रॉ इनसाइडर, जिसको आपने क्लिक किया हुआ है। अब देखना क्या होता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बाय डिफॉल्ट वैसे ही होता है। बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, नॉर्मल बिहेवियर, जो कुछ बनाओगे बन जाएगा लेयर के ऊपर। दूसरी ऑप्शन भी एक है सेंटर में, इसका यूज एक और है, बड़ा मजे का है, लेकिन इसको भी दो मिनट में छोड़ दो। थर्ड ऑप्शन है ड्रॉ इनसाइड, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आप देख रहे हो आपके एक अराउंड एंगल्स आ गए, एक बाउंड्री आ गई। अब आपने जो कुछ भी बनाओगे वो इसके इनसाइड बनेगा, जो कुछ भी ड्रॉ करोगे इसके इनसाइड ड्रॉ होगा। मैंने प्लेस किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, लोड हो गया, इसको आपने इस बाउंड्री के अंदर लेके आना है और इसको ड्रैग करना है ऐसे। ये ऑब्जेक्ट अब अगर आप गौर करो इसी बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, ये इससे बाहर नहीं, ये देखो बाउंड्री में दिख रहा है ये, क्योंकि ड्रॉ इनसाइड हुआ है, ड्रॉ इनसाइड ऑल ऑप्शन आपने अप्लाई किया, बाद का आपको जरूरत पड़ती है आप से यूज कर सकते हैं। दोबारा से देखो, ये ऑब्जेक्ट है एस, पहले नॉर्मल कर दो, इसको क्लिक कर दो, ये ड्रॉ इनसाइड, जैसे क्लिक करोगे बाउंड्री आ गई व्हाइट कलर की, ये ड्रॉ इनसाइड का इंडिकेटर ऑन हो गया। अब आपने जो कुछ भी बनाओगे वो इनसाइड बनेगा। देखो जरा, ड्रॉ मैंने कहा है इनसाइड, लाइन लगी इनसाइड, तो लाइन लगी नहीं, अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो मैंने क्या कहा, इसको एक्टिवेट किया हुआ है एज ए ड्रॉ इनसाइड मोड में। अब याद रखना जो कुछ भी बनाओगे, मिसाल के तौर पर सर्कल बनाता हूं, सर्कल की पॉइंट्स मैं जरा लो कर देता हूं वरना वो
पूरा बिग सर्कल उसकी बिट्स के साथ आ जाएगा। ये देखो आउटलाइन को मैंने क्या कर दिया, ब्लैक है, इसको कर दो ब्लैक के ऊपर तो व्हाइट ही दिखेगी ना, या ब्लू कर दो, येलो कर दो, येलो कर देते हैं, ये स्ट्रोक की वैल्यू येलो। अब देखना मैं ड्रॉ करने लगा सर्कल, हालांकि मैं बाहर ड्रॉ कर रहा हूं, बाहर वाला दिख नहीं रहा, ड्रॉ इनसाइड हो रहा है। पक्की बात है, और ये सिर्फ इमेज के लिए नहीं होता, आप कुछ भी इसके ऊपर ड्रॉ करो वो इनसाइड ड्रॉ होगा, ड्रॉ इनसाइड होगा। दोबारा से देखो, एक बार फिर देखो, ओ है, ये ओ है। हाँ आपने काम क्या करना है, अगर तो आपने, चले इसको एक काम करता हूँ, इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ, ओ को थोड़ा सा शेप में इस तरह ले आता हूँ कि इसको सिलेक्ट किया और ये मैंने इसको सिलेक्ट किया नीचे वाले सिर्फ एंकर्स को, ये नीचे वाला हाईलाइट हो गए, इसको पकड़ के मैंने, सॉरी इसको पहले सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद एंकर्स को सिलेक्ट करने के लिए लेसो टूल यूज़ करता हूँ, लेसो टूल से सिर्फ इतने हिस्से को जो इसमें इंक्लूड होंगे उनके एंकर्स हाईलाइट हो जाएंगे। फिर आपने वाइट एरो यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन यूज़ करना है, और ये डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ, डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ आपने इसकी थोड़ी सी शेप ओ की अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने चेंज करनी है। लाइ जी अब ये है क्या, ओ है। अब आप ड्रॉ इनसाइड करते हैं, नॉर्मल पहले कर लो, इसको पहले क्लिक कर लो, इसको सिलेक्ट हो गया, ठीक है, नॉर्मल मॉडल में पहले लेके जाओ, फर्स्ट वन इज हमेशा यही होता है ड्रॉ नॉर्मल, लेकिन जैसे आप दोबारा क्लिक करोगे इसके अराउंड बाउंड्री आ जाएगी, अब जो कुछ भी बनाओगे ड्रॉ करोगे इसके इनसाइड ड्रॉ, चाहे वो बाउंड्री दिखने में आपको बाहर दिख रही होगी, लेकिन जब कुछ बनेगा जी, हाँ नॉर्मल करके फिर उसको, अब ये रेक्टेंगल ही बना देता हूँ, आपको लगेगा ऐसे जैसे रेक्टेंगल बाहर की तरफ, और रेक्टेंगल का कलर ऐसा कर देना जो दिखे, और रेक्टेंगल का कलर लाजवाब है, आप अगर इसका स्ट्रोक ऑफ करना चाहो, सॉरी फिल ऑफ करना चाहो ऑफ कर दिया, स्ट्रोक अगर आपने लगाना है मिसाल के तौर पे स्ट्रोक इसका हम येलो कर देते हैं, लाजवाब है ब्लैक के ऊपर तो येलो ही दिखेगा ना आपको, ये आपने पहले ऑन कर दिया, रेक्टेंगल ले लिया और ड्रॉ इनसाइड आपने मोड ऑन किया हुआ, ये देखो जैसे मैं इसे ड्रॉप करूंगा छोड़ूंगा माउस बटन, ड्रॉ इनसाइड, ये असल में आपको दिख ऐसे रहे दो लाइनें लगाई, हालांकि है क्या ये एक रेक्टेंगल है, दोबारा से देखो ड्रॉ इनसाइड मोड ऑन है, आपने करना क्या है, आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद नॉर्मल से इसका बिहेवियर आपने कन्वर्ट कर देना है, सॉरी इसको पहले सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट कर लेना नंबर वन, नंबर टू नॉर्मल से इसको लेके जाना है किसमें, ये सारे सेलेक्ट हो गए, एक सेकंड, डिसलेक्ट एवरीथिंग, देन क्लिक डायरेक्ट सिलेक्शन, ये आपने हाईलाइट कर दिया, और ये सिंगल करेक्टर के ऊपर चलता है, सिंगल शेप के ऊपर चलता है, और ये मैं आपको एक चीज बताऊं, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स मैंने एक शेप बनाया, ये देखो बस लास्ट मिनट कोई शेप बनाते हैं, ये मैंने एक सर्कल बनाया, अगर आपको कहा जाए कि ड्रॉ इनसाइड इस पे अप्लाई होगा, अभी मैं करके दिखाता हूँ, एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और ड्रॉ इनसाइड के साथ बनाता हूँ, ये देखिए फिल करनी है फिल भी कर लेते हैं, फिल हम कर देते हैं इसकी येलो, ये येलो कर दी, स्ट्रोक लगाना है नहीं लगाते हैं स्ट्रोक, ड्रॉ इनसाइड मोड ऑन करते हैं, ये देखिएगा अब मैं जो कुछ भी बनाऊंगा, अब येलो फिल किया हुआ, अच्छा नए ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको कर देते हैं ये देखो,
अंदर जो ऑब्जेक्ट हो वो फुल वर्जन दिखेगा, लेकिन जैसे आप बाउंड्री की तरफ आते हो, बाउंड्री से बाहर निकलते हो, तो सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना ऑब्जेक्ट आपका उस के अंदर इनसाइड ड्रॉ हो रहा है। देख रहे हो ये सर्कल्स पूरे क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि आपने इसका कौन सा मोड ऑन किया हुआ है, ड्रॉ इनसाइड वाली ऑप्शन आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है जी। और इसको आप नॉर्मल करो, नॉर्मल करने के बाद ये अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं मिसाल के तौर पे इस ऑब्जेक्ट को, और सिलेक्ट करने के बाद अगर डिलीट करना है डिलीट कर दो। काइंड ऑफ आप इसमें एक्शन करने के लिए कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो सेट करनी चाह रहे हो प्रॉपर्टीज सेट करनी है, उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, अगला काम आपने ड्रॉ ड्रॉ इनसाइड की वर्जन ऑन करना है। जब ये ऑन हो जाए उसके बाद आपने जो भी शेप लेनी है शेप लो, और उसके ऊपर जो कलर लाल ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो दिखेगा नहीं, यू हैव टू सेलेक्ट एनी अदर कलर, ये कर लेना। और अब आप यहाँ पे अगर मैं इनसाइड ड्रॉ करता हूँ कोई इशू नहीं, यहाँ ड्रॉ करता हूँ कोई इशू नहीं, इसकी बाउंड्री से बाहर अगर ड्रॉ करता हूं तो बाउंड्री के अंदर जितना है वो दिखेगा। इस तरह अगर ऑब्जेक्ट बनाना चाहो, ऐसा इलस्ट्रेशंस बनाना चाहो, तो ड्रॉप कैप सॉरी ये आपके पास ऑप्शन है ड्रॉ इनसाइड। देख रहे हो कितने मजे का इलस्ट्रेटर ने आपको एक ऑप्शन दिया है नॉर्मल से ड्रॉ इनसाइड, मतलब यह है कि जो आपने बाउंड्री डिफाइन की है ना उसी की इनसाइड रहते हुए आपकी क्रिएशन हो। और अगर आप इसके अंदर कोई इमेज भी ड्रॉ करना चाहो तो आप प्लेस कर सकते हो, जैसे मैंने लेटर्स के ऊपर किया। तो यह जी आज का लेक्चर, इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा लेक्चर है ना, कल है हमारा लेक्चर, तो कल मैं इंशाल्लाह जो है पाथफाइंडर आज फिर रह गया, लेकिन हम ड्रॉ इनसाइड को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करके दिखा दिया, फिर मैंने इंडिविजुअली एक टेक्स्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट करना सिखा दिया, फिर इंडिविजुअली हर लेटर में कैसे कंटेनर के तौर पे उसके अंदर लोड करना है, या आपने एज ए होल पूरे टेक्स्ट के ऊपर आपने लोड करना है। तो इस तरह के पेजेस अगर आपको डिजाइन करने हो आर्ट बोर्ड के ऊपर अपने इलस्ट्रेटर के अंदर, ये सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल होनी शुरू हो गई हैं डे बाई डे। उम्मीद करता हूँ आप अपने टूल्स को और अच्छे प्रैक्टिस में ला के एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर अपने रोल को फ्यूचर में प्ले करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे होंगे। ये सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का मकसद ये है कि आपको फुल फ्लैज इसका यूज आ जाए इलस्ट्रेटर का, और जब आप अपने डिजाइन क्रिएट करने जाओ पेजेस बनाने जाओ आपके पास ग्रिप हो टूल के ऊपर, सारे टूल्स पैनल्स के ऑप्शंस के हर चीज बता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप माइंड को अप्लाई करना है डिजाइन करते हुए, बस ये चीज है, ठीक है जी। नहीं बहुत शुक्रिया। मेरा वो कट